अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और क्योंकि आज काफी मतलब मेरी वीडियो एक दिन आ रही है, दो तीन दिन नहीं आ रही, थोड़ी कुछ मसरूफियत है, आप लोगों को पता, घर भी शिफ्ट हुआ, फिर रमजान आ रहा है तो काफी काम जो है बढ़ गए थे मेरे, तो बीच बीच में मुझे वो भी करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत बड़ा झटका देने वाली हूँ। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, और किसकी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये सरप्राइज, और ये शॉपिंग हो रही है ईद शॉपिंग, ये ईद शॉपिंग हो रही है और बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए हो रही है। और ये शॉपिंग आपने पूरी देखनी है बगैर किसी स्केप किए, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज मिलेंगे। अगर आप वाकई आप भी ये चाहते हो या आपके दिल में ऐसी बात है तो आपको भी ये आइडियाज मिलेंगे। और इससे जो है हमारे जिसकी मैं अभी शॉपिंग करने जा रही हूँ, इनके बारे में मैं बात क्या क्या लिया, कहाँ कहाँ गई, क्या और किस तरह मैंने ये सामान लिया। और सबसे पहले मैं शॉपिंग करके जब उन्हें पहुँचाने जाऊँगी तो मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं अपनी वीडियो, अपनी ज़िंदगी लाइफ से लेकर जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्या पता है इससे आपको भी आइडियाज़ मिले। जो बच्चों ने मुझे अम्मी बोला है, उनको आगे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजारनी है तो उन्हें भी आइडियाज़ मिलते हैं। अगर मेरा चैनल पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देखते रहें। तो आप लोगों के साथ मेरा ढेरों प्यार है। चलें फिर हम शॉपिंग करने चलते हैं। हमें वहीं आ जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर सिटी मॉल में हमें कुछ नहीं मिला अपने मतलब का, और हमें यहाँ पर चेज ही आना पड़ा। और यहाँ पर हम आए, पीछे देखें मेरा कितना ज़्यादा ये पीछे देखें रश हो रहा है। अब इस रश में हमें जाके शॉपिंग लेनी पड़ेगी, और वो शॉपिंग मैं अब बता रही हूँ किसके लिए करने आई हूँ, किस हस्ती के लिए करने आई हूँ। वो हस्ती है मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सास, उनके लिए मैं यहाँ से हर साल शॉपिंग करती हूँ। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि एक टू दो थोड़ा शोर होगा, एक रोड मिलेगा, मेन रोड है, तो एक तो वो बहुत एरिड है, दूसरा उनका बाईपास हुआ हुआ है, तो जाहिर है उनको ब्रांडेड अच्छे सूट दिलाती हूँ मैं, ताकि वो पहन सके, क्योंकि ऑपरेशन में जो है जो तकलीफ होती है मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पर क्योंकि हर किस्म की ब्रांड मिलती है, फूल अहमद हो, जैफियर हो, जिलबरी हो, वो अलकरम हो, हर किस्म के ब्रांड यहाँ पर मिलते हैं और ब्रांडेड सूट मिलते हैं, तो वो सूट मैं लेंगी। और अंदर से जो भी शॉपिंग हो सके मैं वो करने जा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ रहे हूँ, देखिए मैं अपनी सास के लिए क्या क्या लिए, चले मेरे साथ। शॉपिंग हो चुकी है हमारी, लेकिन अभी हमारी जो है मदर इन लॉ उनकी शॉपिंग हुई है, और रात के 9 बज गए हैं, 9:30 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर, भी हम थक चुके हैं, और अब बाद में हम बनाएंगे वीडियो। तो भाई थक हार के हम आ गए हैं शॉपिंग कर अब, और बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं बैठ गई। मैंने कहा बैठ कर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो करनी है मुझे, एंड मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत चलना पड़ता है, आप लोग पता है बाज़ार में जाकर। तो जो चीज़ें मैंने उनके लिए खरीदी थी, मैंने कहा फ़िलहाल मैं ये दिखा कर वीडियो एंड करूं, इसके बाद अभी यहाँ वीडियो ख़त्म नहीं होती। अगर जिसके घर जा रहे हो तो आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका दिल कैसे जीतते हो। अभी और भी बहुत सामान भी रहता है, पैकिंग भी करनी है, तो चलें फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं दिखा दूँ आपको कि हर साल जो है मैं गर्मियों के सूट अलग से देती हूँ, और ईद के सूट दे देती हूँ दो तीन, लेकिन इस बार ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, हालत बहुत ख़राब हो गए, तो उस वजह से जो है ना मैं फिर भी जो कर सकी, जो मेरे हाथ में था, जो जिस तरह मेरी ज़्यादा कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हुई, मैंने वो कोशिश की कि मैं इनके कम से कम चीज़ों में या उसमें कमी ना छोड़ूं। बाकी तो अल्लाह, आप किसी को देने के लिए हाथ अपना खोलते हो तो अल्लाह खुद ही आपकी मदद करता है, अल्लाह खुद ही आपको इस चीज़ का अजर देता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। चेज से मैंने कर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सूट ये लोन के लिए,
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका बाईपास हुआ हुआ है, वहाँ पर शोर बहुत हो रहा था, आवाज़ पता नहीं समझ में आई नहीं आई, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका बाईपास हुआ हुआ है, तो एजिड है, तो जाहिर है कि उनको अच्छी और ब्रांडेड में चीज में जो है ब्रांडेड सारी लोन मिलती है, गुल अहमद, अलकराम, कस्तूरी वगैरह सब एक्स वाई सेट जितनी भी ब्रांड है वो वहाँ पर मिल जाती है एक ही जगह पर। तो मैं नरम से नरम जो है लोन ढूंढ कर और उनको तरीफी देती हूँ, जिसमें गर्मियों के भी सूट होते हैं और ईद के भी होते हैं। तो ये 6 सूट मैंने जो है इनके लोन के गर्मियों के लिए, और ये चिकनकारी का सूट है, ये देखें पिस्ता कलर है, इतना प्यारा लग रहा है। और एक ये लिया है मैंने कस्तूरी का सूट, 3 पीस गला बना हुआ है इसमें, दिखा देती हूँ आपको, कर दिया हटा दे गला, ये देखें पीच कलर है। मैंने सारे लाइट कलर लिए क्योंकि गर्मियों में जो है लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं और एज के हिसाब से भी लाइट कलर अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सारे ठंडे ठंडे और लाइट कलर लिए। तो ये 2 सूट मैंने इनके ईद के लिए, ये 6 सूट मैंने इनके गर्मियों के लिए। इसके अलावा आ जाते हैं चूड़ियाँ, तो ये मैंने ये मीनाकारी मीने की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो मैंने एक ये इतने सारे सूट थे तो एक सूट एक मैंने ये मल्टी कलर का सेट ले लिया ताकि उन्हें बार बार चूड़ियाँ चेंज करनी ना पड़े, हर सूट के कलर की इसमें चूड़ियाँ हैं। एक मैंने ये ले लिया सेट और एक मैंने ये गोल्डन सेट ले लिया, इसके ऊपर लिया, देखें मैचिंग हो गई ना। तो एक सूट ये मैंने ईद के सूट के ऊपर ये एक सेट ले लिया, ये एक सेट इसके ऊपर ले लिया है, ठीक है। और ये एक मैंने मल्टी ले लिया है कि अगर वो गर्मियों में लोन के सूट पहनती हैं तो वो ले लें। और एक मैंने ये वाली चूड़ियाँ ले ली मेटल की, एक ये मेटल का सेट ले लिया जो काली भी नहीं होती, मैं खुद पहनती हूँ आप लोगों को पता है अक्सर और मेरे को बहुत पसंद है, तो ये एक मैंने सेट ले लिया था और एक ये सेट है। इसके अलावा गर्मियों के हिसाब से उनके लिए मैंने एक बहुत ही इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत प्यार बहुत अच्छी लगती है दिखने में, मीठी मीठी सी। और एक ये ले लिया ऊपर से, फिर ये काजल और सुरमा लगाती हैं काजल अभी इसमें। और एक मैंने इनके लिए ये पर्स ले लिया है, जैसे बहुत ही प्यारा सा पर्स है ये, और बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब जगह इसमें होती है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें ये देते। ये भी मैंने सब जैसे ही लिया है, मैं पूरी शॉपिंग ही उनकी जैसे करती हूँ। और इसके अलावा अभी इसमें काजल और कुछ क्रीम वगैरह वो लगाती हैं तो वो बाकी है। और 2 बड़े बैग हैं, एक हैंड बैग है और एक बड़ा बैग है जिसमें मैं ये सब सामान डालूंगी। किसी भी बेटे माशाल्लाह मेरे शोर को हटा के मेरे 9 देवर और हैं, 8 देवर हैं या 9 देवर हैं, और माशाल्लाह से बहुत बड़ा खानदान, बहुत बड़ी फैमिली है। तो उनके घरों में जब वो जाती हैं तो उन्हें बड़ी मसला होता है कि 2-4 सूट ले जाती हैं तो वो थैलों में लेके जाती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ऐसा बड़ा बैग ला दो जिसमें मैं अपने सामान और अपने कपड़े रख सकूँ। तो एक बैग मैंने वो लिया और एक हैंड बैग लिया है मैंने लेदर का, वो मैं जब ये कंप्लीट पैकिंग करके वहाँ लेकर जाऊंगी तो मैं वो एक छूट और बनाकर आपको बताऊंगी। रुमाल लिया है और काजल वगैरह भी इसमें बाकी। और ये मेरे मेरी 2 नंदे हैं, बहुत ही प्यारी सी छोटी, और लेकिन मैरिड हैं दोनों नंदे, तो नंदे समझे आपकी बहनें होती है और बहनों की तरह होती है आपके शोर के बहनें, अगर वो गलत भी करती हैं या आपके साथ कुछ ऐसा सोचती भी हैं तो अगर आप उनसे प्यार मोहब्बत से और उसमें शुरू से चलेंगे तो फिर वो उनके दिलों में भी खुद मोहब्बत आती है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे दिलों में मोहब्बत भी बढ़ सकती है और प्यार भी बढ़ सकता है। तो ये 2 मेरी नंदे हैं, 2 नंदे, इसमें भी हो सकता है कि भी और सामान मुझे डालना हो। तो ये एक मैंने 3 पीस लोन का सूट लिया है जे कार्ड्स का, और ये उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ हैं और दोनों को मैं एक जैसा देती हूँ। उसकी वजह है कि अगर मैं अलग अलग देती हूँ तो वो दोनों लड़ती हैं, वो कहती है मुझे वो चाहिए, वो कहती है मुझे वो चाहिए। तो बहनों में भी होता है कि मैं ये तीनों बहनों के लिए, नेहा के लिए और इन दोनों के लिए कुछ लाती हूँ तो नेहा बोलेगी ये मुझे चाहिए, दुआ बोलेगी ये मुझे चाहिए, तो इसी तरह लड़ाइयाँ करती रहती हैं। तो पिछले एक बार मैंने दोनों को अलग अलग चीज़ें दी थी तो दोनों लड़ाई करने लग गई थी कि वो कह रही थी ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो मैंने फिर ये सोचा कि दोनों को बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी चीज़ें दी जाए ताकि ये इशू ही ना बने कि लड़ाई हो। और ये चीज़ें मैंने अभी ली है, मज़ीद और चीज़ें ऐड करूँगी तो मुकम्मल पैकिंग करके जब अगले मैं वहाँ पर जाऊँगी देने के लिए, कि जो वो कुछ सीती हैं वो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी टेलर हैं और सारी ज़िंदगी मैंने उन्हें देखा है बहुत अच्छे स्टिच कपड़े जेंट्स लेडीज सब करती हैं,
मेरी सास से मिलकर भी आपको बहुत खुशी होगी जो मेरी अम्मी भी हैं, लेकिन मैं सास इसलिए कहती हूँ कि आपको फिर ये कंफ्यूज करनी हो कि ये अपनी अम्मी का बोल रही है सास का बोल रही है, जैसे कि आप मेरे बारे में कंफ्यूज रहते थे कि ये जैन की अम्मी है या रेहा की अम्मी है, तो वो खुद सीती है इसलिए मैं इस टाइम पर पहुँचा देती हूँ ताकि वो गर्मियों में रमज़ान आने से पहले पहले सी कर पहन लें। इसके साथ ही हम यहाँ से वीडियो का करते हैं एंड, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। रमज़ान की आमद आमद है और आज बड़ी रात है, तो उसके लिए भी दुआओं की अपील करूँगी और बहुत ज़्यादा मैं अपनी बच्चियों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह सबको परेशानी और हर किस्म की मुश्किलों से आज़ा बचा कर रखे और उनकी गोदों में गोदे भरे और हंसता खेलता जिनकी औलादे नहीं हो बड़ा औलादे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।